नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा सातवीं की दूसरी इकाई से आठ नंबर की कविता हम चलते सेना तान की इस कविता को सीखेंगे। इस कविता के रचनाकार है यानी कवि है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। आप सभी बच्चे सिने तारे अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं। अमिताभ बच्चन जी के ही ये पिताजी हैं। पहले डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का हम परिचय कर लेंगे। तो देखो बच्चों, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 में अपने ही भारत देश में उत्तर प्रदेश इस प्रांत में इलाहाबाद इस शहर में हुआ और उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ रचनाएं मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलू क्या याद करूं, दस द्वार से सोपान तक, नीड का निर्माण, फिर आदि। बच्चन जी हिंदी कविता में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। आप सभी जानते हैं युवकों में देश प्रेम जगाना, राष्ट्र के प्रति असीम निष्ठा युवकों में निर्माण करना, यह डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ कविता का लक्ष्य है। प्रस्तुत कविता में हम चलते सेना तान के इस कविता में कवि ने समता, बंधुता, श्रम एवं देश प्रेम की भावना के महत्व को प्रतिपादित किया है।